हेलो एवरीबॉडी, दसवीं क्लास में, ट्वेल्थ क्लास में यदि आपका रीअपीयर है, कंपार्टमेंट है या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल आ चुकी है। यदि आप जानना चाहते हैं और आप भरना चाहते हैं अपना फॉर्म तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, आप यदि इंटरनेट पर ऑनलाइन सर्च करोगे कि आपके भाई कोई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की तैयारी करवाता हो या फिर अभी जैसे BSc एग्रीकल्चर है, एडमिशन लेने के लिए 6 ईयर प्रोग्राम है, 4 ईयर प्रोग्राम है, उनकी तैयारी बहुत कम चैनल है, बहुत कम ऐप आपको मिलेंगे, आपको मिलेंगे ही नहीं। और अभी ज़रूरत है ऑनलाइन आपको तैयारी करने, क्योंकि ऑफलाइन तो सब कुछ बंद है तो आपको ऑनलाइन ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़रे, ये ऐप का नाम है पढ़रे। और सिर्फ इस वजह से बना गया है कि अभी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो बच्चे अपनी तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे, ऑफलाइन तो कहीं सुविधा है नहीं, तो ऑनलाइन आपको बहुत कम चांसेस है। और उनमें से मेरे को ये बेस्ट लगा है तो मैंने सोचा कि, क्योंकि बहुत बार कमेंट आते थे कि सर कि BSc की तैयारी कहाँ पर करें, तो दोस्तों यहाँ से आप कर सकते हैं पढ़रे, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ये प्ले स्टोर पर ऐप भी उपलब्ध है और इनका यूट्यूब चैनल भी है, पढ़रे ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। BSc एग्रीकल्चर, IIT, JEE, NEET, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन सभी की तैयारी यहाँ पे होती है भाई, ठीक है। तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका रिजल्ट आया था अभी 5-7 दिन पहले ही और आप इंतज़ार कर रहे थे कि रीअपीयर के फॉर्म कब निकलेंगे, कंपार्टमेंट के फॉर्म कब निकलेंगे, एडिशनल सब्जेक्ट लेने के फॉर्म कब निकलेंगे। तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ चुकी है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सितंबर 2020 के लिए। तो दोस्तों, यदि सारी चीज़ें ठीक रही तो सितंबर 2020 में आपका एग्ज़ाम होगा जो आप भरने वाले हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे किस किस चीज़ के लिए कर सकते हो, पूर्ण विषय अंक सुधार यानी फुल इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट है तो आप भर सकते हैं, अतिरिक्त विषय एडिशनल सब्जेक्ट लेना है तो आप भर सकते हैं, आंशिक अंक सुधार से संबंधित परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र 4 अगस्त से बोर्ड की वेबसाइट पर शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, 4 अगस्त से आपके कंपार्टमेंट के, रीअपीयर के, अतिरिक्त विषय आंशिक सुधार के और एडिशनल सब्जेक्ट लेने के, इम्प्रूवमेंट के, ये सारे फार्म आपके 4 अगस्त से आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। 4 अगस्त से आप फार्म भर पाएंगे अपने। यहाँ पे यदि मैं फ़ीस की बात करूँ तो 750 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, 750 रुपये आपकी फ़ीस यहाँ पे लगेगी, पूर्ण विषय सुधार, अंक सुधार, कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषय, इन सभी की 750 रुपये में आपका काम चल जाएगा। ये आपकी फ़ीस है, जो आप साइबर कैफे वाला है वो चार्ज अलग से लेगा फॉर्म भरने का। और तो एक लिमिटेड टाइम भी है कि आप इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक ही भर सकते हो। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि आप 4 तारीख से 13 तारीख तक, 4 अगस्त से 13 अगस्त तक आप बिना लेट फीस के भर सकते हैं, यानी कि 750 रुपये में भर सकते हैं। उसके बाद में 14 से 20 अगस्त तक आवेदन करने पर 100 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगने शुरू हो जाएगी। 21 से 27 अगस्त तक आवेदन करोगे 300 रुपये लेट फीस लगनी शुरू हो जाएगी एक्स्ट्रा। 28 अगस्त से 3 सितंबर तक आवेदन करोगे तो आपकी 1000 रुपये फ़ीस एक्स्ट्रा लगेगी, यानी 750 रुपये वो और 1000 रुपये और, ठीक है। इस तरीके से आपका जो प्लान है वो चलेगा। तो जिस किसी विद्यार्थी को अपने फार्म भरने, भर सकता है। और जो ओपन रीअपीयर है भाई, ओपन रीअपीयर और अंक सुधार वाले हैं, वे 13 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क, बिना लेट फीस के फार्म भर सकते हैं, चाहे वो CTP है, चाहे रीअपीयर है, चाहे अंक सुधार है या फिर एडिशनल सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। 4 अगस्त से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, लेट फीस आपकी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे आपके 850 रुपये फीस लगती है दोस्तों, ठीक है। तो HBSC में रीअपीयर है, कंपार्टमेंट है, या हरियाणा ओपन में रीअपीयर है, कंपार्टमेंट है, CTP का फॉर्म भरना है, अंक सुधार का भरना है, तो आप भर सकते हैं 4 अगस्त के बाद में, फ़ीस आपको पता चल गई। अब दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि पहली बार में ही आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, क्योंकि यदि आपका अब ये पेपर पास नहीं हुआ तो आपकी 1 साल ख़राब हो जाएगी, ठीक है। कंपार्टमेंट आपका पास नहीं हुआ तो आपकी 1 साल ख़राब हो जाएगी, इसीलिए दोस्तों आप
पढ़ रहे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं अपने जिस भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है, रीअपियर है। नए बच्चे भी यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो इस साल 10वीं में है, 12वीं में है, 9वीं में है, 8वीं में है, वे भी यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, BSc एग्रीकल्चर, JEE नीट वगैरह की ऑनलाइन तैयारी के प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलेंगे, और उनमें से आपको फिर अच्छा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेज को डाउनलोड करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऐप को डाउनलोड करने का, और इनका यूट्यूब चैनल भी, यहाँ भी आप फ्री में पढ़ सकते हैं, तो आप चेकआउट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और फर्स्ट बार में ही आपको अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है ताकि आपकी साल ख़राब ना हो। धन्यवाद।